Do you know which are the top 5 airports of the world? My name is Gaurav Gera. Welcome back to Zaruri Gyan with Travel Academy. Let's figure it out today. So, the number 5 airport is Dubai International Airport. So, Dubai International Airport, jo hai, iska code hai DXP. और यहाँ पे ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और जनरली बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 एयरपोर्ट है, लेकिन एक्चुअली में ये नंबर 5 है। अच्छा, ऐसा लगने का एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि ये इसकी जो एक प्राइम लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सेंटर में आता है। अगर हम ये वर्ल्ड मैप ले, ये इंडिया है, इंडिया से अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई के अंदर ये एक एमिरेट है, वहाँ पे 7 एमिरेट्स है जिसमें से एक एमिरेट जो है वो दुबई है। अब जनरली एयरलाइंस प्रेफर करती हैं यहाँ पर एक स्टॉप लेकर के जाना। अगर मान लो कोई फ्लाइट दिल्ली से उड़ रही है और उसको यूएस जाना है, तो वो दिल्ली से उड़ के प्रेफर करेगी कि दुबई पे रुके, रीफ्यूलिंग करे और फिर वो उड़ करके यूएस जाए। और वैसे ही वहां से जब कोई फ्लाइट आती है तो भी यहाँ से रुक करके जाना पसंद करते हैं। और करीब करीब 140 एयरलाइंस जो है यहाँ पर ऑपरेट करती हैं और 7700 से भी ज्यादा फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट करती हर हफ्ते। सो इफ यू सी, इट इज अ वेरी बिजी एयरपोर्ट विच हैज ओवर 86 मिलियन पीपल ट्रैवलिंग एवरी ईयर। सो 86 मिलियन से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर हर साल ट्रैवल करते हैं या इस एयरपोर्ट को यूज करते हैं किसी भी तरीके से। सो दैट वाज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो नंबर 4 पर जो एयरपोर्ट है वो है टोक्यो हनेडा। सो पहले तो देख लेते हैं टोक्यो है कहाँ पर। ये जो इंडिया है, इंडिया से अगर आप ऊपर जाओगे और वहां से आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पर जापान है। जापान की कैपिटल है टोक्यो और टोक्यो में 2 बड़े एयरपोर्ट हैं, एक हनेडा एक नरेटा। टोक्यो नरेटा जो है ये बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है और 2010 तक जो है वहां पर बहुत सारी फ्लाइट्स ऑपरेट किया करती थी, अभी भी करती हैं, लेकिन 2010 तक जो हमारा टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट है वहां पर सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ही ज्यादा डील किया जाता था, इंटरनेशनल फ्लाइट्स इतना लैंड नहीं होती थी। 2010 के बाद वहां की अथॉरिटीज ने एक स्टेप लिया कि यहाँ पर टोक्यो हनेडा के अंदर उन्होंने एक एक्स्ट्रा रनवे खोला, रनवे 4, और एक और टर्मिनल ओपन कर दिया। जैसे ही ये हुआ यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स का जो नंबर है वो बढ़ गया और बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट होनी शुरू हो गई और अब यहाँ पर करीब करीब 87 मिलियन पीपल ट्रैवल एवरी ईयर। तो टोक्यो हनेडा जो है ये है नंबर 4 एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। नंबर थ्री इज लॉस एंजलिस। सो लॉस एंजलिस जो है ये यूएस में कैलिफोर्निया स्टेट में है। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे पहले तो आप इफ यू सी दिस इज इंडिया, इंडिया से अगर आप वेस्ट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर यूएस है और यूएस के एकदम पैसिफिक टाइम जोन, मतलब कि एकदम जो वेस्ट में है इस तरफ आपको मिलेगा कैलिफोर्निया स्टेट और कैलिफोर्निया के अंदर यहाँ पर है लॉस एंजलिस। अब लॉस एंजलिस जो है ये नंबर 3 एयरपोर्ट है और यहाँ पर करीब करीब 88 मिलियन पीपल ट्रैवल करते हैं हर साल। यहाँ पे एक बड़ी खास बात है एक्चुअली। इफ यू सी, लॉस एंजलिस के बिल्कुल साथ में है हॉलीवुड। सो हॉलीवुड जैसे हम बोलते हैं बॉलीवुड मुंबई है, वैसे ही वहां पर जो हॉलीवुड है वो एक सिटी का नाम है जहाँ पर जितने भी फिल्म स्टार्स और जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं वो वहां पर रहते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो उस सिटी का जो सबसे क्लोजेस्ट एयरपोर्ट है वो लॉस एंजलिस एयरपोर्ट है, तो इस वजह से वहां पर जो है वो ट्रैवल बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात ये क्योंकि ये फिल्म स्टार्स हैं, ये बहुत अमीर हैं और वीआईपीज हैं, तो लॉस एंजलिस का जो एयरपोर्ट है वो भी छोटा मोटा नहीं है, उसको बहुत ही लग्जूरियस बनाया गया हुआ है। यहाँ पे प्राइवेट लाउंजेस हैं, यहाँ पर जो है वीआईपी लाउंजेस हैं, यहाँ पर सबसे मतलब वर्ल्ड लग्जूरियस एयरपोर्ट में से एक है लॉस एंजलिस एयरपोर्ट। इसका कोड है LAX और ये लास वेगस, जो आपने सुना होगा वेगस सिन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, उसके बहुत क्लोज है, उसके बहुत पास है। वेगस जो है वो नेवाडा स्टेट में है और लॉस एंजलिस जो है ये कैलिफोर्निया में है, बट दे वेरी क्लोज। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 आवर की फ्लाइट है इसके बीच में इफ समवन नीड्स टू ट्रैवल। सो नंबर 3 इज लॉस एंजलिस एयरपोर्ट। नंबर 2 पे है बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो बीजिंग जो है ये है चाइना में और बीजिंग के अंदर बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, करीब करीब 100 मिलियन पीपल ट्रैवल है एवरी ईयर और 100 मिलियन का मतलब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 10 करोड़ पीपल एवरी ईयर ट्रैवल देयर बिकॉज ऑफ द आई थिंक बिजनेस यूज के लिए यहाँ पर ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। चाइना का नंबर 1 एयरपोर्ट बीजिंग है और नंबर 2 जो चाइना का है वो शंघाई है।
हो सकता है कि आफ्टर COVID-19 क्राइसिस, बिकॉज चाइना वॉज आई पी सेंटर, यहाँ पर जो ट्रैवल है वो कम हो जाए. ऑल द बीजिंग इज नॉट इम्पैक्टेड बाई COVID-19. अब कमिंग टू नंबर वन एयरपोर्ट. अब ये जो नंबर वन एयरपोर्ट है ना, ये हम लोगों को जनरली पता ही नहीं, कई लोगों को तो उसका नाम भी नहीं पता. लेकिन द फैक्ट इज फॉर द लास्ट 21 ईयर्स दिस एयरपोर्ट इज नंबर वन. इट हैज नंबर वन पोजिशन फॉर द लास्ट 21 ईयर्स. ये एयरपोर्ट US में है. इसका नाम है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट. सो इट इज इन अटलांटा US के अंदर, और कॉन्टीन्यूसली ये नंबर वन पे. सबसे ज़्यादा फ्लाइट, सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स जो हैं वो यहाँ पर ट्रैवल करते हैं. करीब करीब 111 मिलियन पीपल ट्रैवल एवरी ईयर. सबसे जो नंबर वन एयरलाइन है यहाँ पर ट्रैवल करती है वो डेल्टा एयरलाइंस है, और डेल्टा एयरलाइंस जो है वो करीब करीब 1000 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है यहाँ पर रोज. नाउ द क्वेश्चन कम्स, आउट ऑफ दीज बिग एयरपोर्ट्स और इतने सारे डिफरेंट एयरपोर्ट्स हैं वर्ल्ड में, ये अटलांटा एयरपोर्ट, बाय द वे अटलांटा का कोड है ATL, ये अटलांटा का जो एयरपोर्ट है ये नंबर वन क्यों है? सो आई हैव एन आंसर फॉर दैट फॉर यू. अटलांटा एयरपोर्ट क्या है कि सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि US के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं ट्रैवल करना बाय एयर. जैसे इंडिया के अंदर हम लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं बाय ट्रेन, ऑल्दो हम पसंद करते हैं बाय एयर, लेकिन हम जनरली ट्रैवल करते हैं बाय ट्रेन या बाय रोड बिकॉज इट इज चीपर देन ट्रैवलिंग बाय प्लेन. अब US के अंदर क्या है, US का जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है. अगर आप वहां पर ट्रेन से ट्रैवल करोगे, वहां की जो ट्रेन नेटवर्क है उसको Amtrak कहते हैं, अगर आप उससे ट्रैवल करते हो तो प्रॉब्लम ये होने वाली है कि आपको काफी दिन लग जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने में. मतलब कि अगर दिल्ली से मुंबई की हम फ्लाइट भी लें तो वो 1-2 घंटे के अंदर हम पहुंच जाते हैं. लेकिन अगर आप US से US में ट्रैवल करते हो तो कई कई बार 10-10 घंटे की फ्लाइट्स भी होती है. इट इज दैट ह्यूज इन एरिया, इसीलिए US के अंदर एयर ट्रैवल ज्यादा है. नाउ सवाल ये आता है कि अटलांटा ही वो एयरपोर्ट क्यों है जो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, सबसे ज्यादा बड़ा और टॉप मोस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, क्यों यहाँ पर 111 मिलियन लोग आते हैं? अगर आप अटलांटा की स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखोगे तो इंडिया से अगर आप वेस्ट जाओगे, यहाँ पर US है, और US के अंदर अटलांटा यहाँ पर है. अब ये जो अटलांटा है, यहाँ से US की 80% ऑफ द पॉपुलेशन है, क्योंकि बहुत सारे US के जो लोग हैं वो ईस्टर्न साइड में रहते हैं. तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जो US है वो इससे, इस अटलांटा एयरपोर्ट से करीब करीब 2 घंटे की फ्लाइट ही है बस. तो यहाँ से 2 घंटे की फ्लाइट अगर आप लेते हो तो 80% पॉपुलेशन आप US की कवर कर सकते हो. अब क्या है, जब कोई भी फ्लाइट बाहर से आती है तो उसमें बहुत सारे लोग की जो डेस्टिनेशन जो होती है वो US होती है, लेकिन वो अटलांटा के अंदर नहीं रहते. मगर अटलांटा एक ऐसी जगह पर है जहाँ से उनकी जो अपनी डेस्टिनेशन है वो बहुत पास पड़ती है. सो इसीलिए अटलांटा एयरपोर्ट को बहुत सारी एयरलाइंस ने अपना बेस माना है, और बहुत सारी फ्लाइट्स यहाँ पर ऑपरेट करती हैं. दीज वर द टॉप 5 एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड समथिंग आउट ऑफ इट. और आपको जो है, आपको कौन सा वाला एयरपोर्ट लगा था कि टॉप 5 की लिस्ट में होगा लेकिन वो नहीं था, प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड सी यू.